तो दूसरे दिन की शुरुआत हुई हमारी होटल में चाय नाश्ते के बाद में, इस बर्फ से ढके सड़क पे। और यहाँ हमको आगे दिन में ये रास्ते पे सफ़र तय करना था, तो मन में कुछ डर भी था और साथ में था एडवेंचर। कुछ दूर चलने के बाद में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है ड्राइव पे, और गाड़ी है वो अच्छे से हैंडल हो पा रही थी, ग्रिप बना रही थी रोड पे। तो बिल्कुल सुहाने मौसम में मंद म्यूजिक का आनंद लेते हुए हम डलहौजी से आगे खजियार वाले रास्ते पे, एक बिना डेस्टिनेशन के सफ़र का मज़ा लेते हुए सुहाने मौसम में चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद में एक स्नो पॉइंट आया जहाँ पे गिंगर हमने ग्रीन टी का आनंद लिया। और ये बहुत ही शानदार नज़ारा था, यहाँ हमने कुछ वक्त बिताया वहीं और दूसरे टूरिस्ट भाइयों के साथ में। और फिर चल दिए हम सफेद चादर ऐसे ही हिमालय के पहाड़ों की सैर। ड्राइव में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था, रोड अगर गाड़ी का मोमेंटम ना बने तो गाड़ी में कुछ चल नहीं ना पाए। ऐसे ही थोड़ा आगे चलते ही एक इनोवा मिल जाती है जो कि चढ़ाई पे बार बार फिसल रही है। यह है हिमाचल के हाल, ये इनोवा नहीं चढ़ पा रही है बहुत देर से, हमारी गाड़ी भी पीछे फंस गई इस चक्कर में। क्योंकि ये इनोवा नहीं चढ़ पाई इसकी वजह से हमने फिर इस इनोवा को साइड में करवा के पीछे फंसी गाड़ियों को लेके हम आगे के लिए निकल पड़े। और नज़ारा वास्तव में बहुत ही शानदार था, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई सड़क और हिमालय की ये वादियाँ देखते ही बनती है। तो हमारा ये दूसरे दिन का सफ़र अभी बाकी है, जिसमें हमने एक ट्रेकिंग भी की, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और ये हिमाचल का सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी जाइए, घूमिए,